मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास परियोजनाओं का लाभ हर तबके को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी पात्र लोगों को, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं। केंद्र व प्रदेश की सरकार इन्हीं संकल्पों के साथ विकास के माध्यम से हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसका परिणाम भी सबके सामने है। सरकार के इन संकल्पों के साथ लोगों के नियमित और संयमित जीवन से यूपी के प्रति परसेप्शन धारणा बदली है। सीएम योगी गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मंगलवार दोपहर बाद जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों को करीब 464 करोड़ रुपए की लागत से आच्छादित करने वाली 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत साफ हो तो विधाता भी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में सबके सामने है। यह वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले आए दिन दंगे होते थे, आज यहां दंगे नहीं होते। सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होते हैं। वास्तव में कानून का सम्मान ही हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है, और जब हम संविधान का सम्मान करते हैं तो वह संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और स्वतंत्रता संग्राम से नानियों के सम्मान का प्रतीक बनता है। सीएम ने कहा कि जहां छोटी छोटी बातों पर दंगे होते थे, वहां अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुर्बानी को लेकर दंगे नहीं होते। सभी धार्मिक स्थलों से तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। सरकार ने यह तय किया है कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल के परिसर तक ही होनी चाहिए। तेज आवाज से आसपास रहने वाले बुजुर्ग मरीजों को दिक्कत हो सकती है और लोक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे हों, नागरिक उसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, निवेश और रोजगार का संगम बन गया है। कानून व्यवस्था मजबूत होने से निवेश की अपार संभावनाएं आगे बढ़ी हैं, और उन निवेश की संभावनाओं से रोजगार और नौकरी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, और उसके पहले 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। इसमें 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 20 लाख लोगों को परोक्ष रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार है तो किसानों का सम्मान, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं तो गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं। सीएम योगी ने कहा कि कभी पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन रही इंसेफ्लाइटिस पर पाए गए प्रभावी नियंत्रण की चर्चा करते हुए कहा कि अगले 2 साल में सामूहिक प्रयासों की बदौलत हम इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश करने में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि 1977 से 2017 तक माह जुलाई से नवंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता दिमागी बुखार को लेकर सशंकित रहती थी, ना जाने कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्व की सरकारों में इसे लेकर संवेदना नहीं थी, पर आज शासन प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयासों से इंसेफ्लाइटिस पर 95% नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। यह इस बात को भी प्रमाणित करता है कि लोक स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य विभाग का मामला नहीं है, बल्कि इसमें आमजन की दिनचर्या में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल व जागरूकता का भी बहुत महत्व है। सीएम योगी ने कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है, अनुशासित जीवन के साथ ऐसे ही सामूहिक प्रयास करते रहना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मिले एम्स गोरखपुर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध बेहतरीन सुविधाओं का भी उल्लेख किया। सीएम योगी ने कहा कि जन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए गोरखपुर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। यहां खाद कारखाने में उत्पादन शुरू हो चुका है। 750 से अधिक बेड के साथ एम्स पूर्वांचल के लोगों की चिकित्सा सेवा कर रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा का बेहतरीन केंद्र बनकर उभरा है। सड़कों का चौड़ीकरण हो या सुचारू विद्युत आपूर्ति, बाढ़ सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अनेक छोटी छोटी योजनाएं व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं के लिए पैसा देती है, अधिकारी उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन विकास कार्यों के संरक्षण का दायित्व जनता का है। जनता जब अपने दायित्व से जुड़ेगी तो यह शहर और प्रदेश देश में अग्रणी बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि योजनाएं पूर्व की सरकारों में भी बनती थी, लेकिन तब उसके तबके को ही इनकी जानकारी नहीं होती थी जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में न केवल जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, बल्कि उनका लाभ बिना जाति, मत, मजहब,
क्षेत्र के भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि बीते 5 साल में प्रदेश में 45 लाख गरीबों के आवास बनाए गए, 8.30 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम निधि योजना का लाभ दिलाते हुए व्यवस्थित किया गया, 1.67 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। अब सरकार इन कनेक्शनधारियों को दिवाली व होली में मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर भी देने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि वह एक ऐसा दौर था जहां अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। उस समय भी यूपी सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी व प्रतिबद्धता से नागरिकों के जीवन व जीविका को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी। नागरिकों को मुफ्त टेस्ट, मुफ्त उपचार व मुफ्त वैक्सीन की सुविधा दी गई। अब तक उत्तर प्रदेश में 34 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। यही नहीं, यूपी में 2-2 बार मुफ्त राशन भी प्रदान किया गया। यूपी ऐसा पहला राज्य है जहां मुफ्त राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी भी दी जा रही है। सरकार का यह संकल्प है कि आपदा का सामना करेंगे लेकिन कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से आगाह करते हुए अपील की कि हर परिवार हर एक सदस्य के नाम पर एक पौधा अवश्य रोपित करे। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून 1 माह लेट है, इसका प्रभाव फसल चक्र और किसानों की आय पर पड़ेगा। सरकार सतर्क है और इसे लेकर अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर रही है। जलवायु परिवर्तन में वनों की अनियमित कटान एक बड़ा कारक है। हम अभी सतर्क नहीं हुए तो प्रकृति के विपरीत आचरण का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक वृक्षारोपण प्रकृति के घाव पर मरहम समान होगा। उन्होंने पीपल, बरगद, आम, जामुन, पाकड़, अर्जुन जैसे औषधीय व छायादार वृक्षों को लगाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि हम वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे और हमें इस उत्सव में सहभागी बनना है। आजादी का अमृत महोत्सव यादगार बने इसके लिए हमें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सेनानियों के सम्मान जैसे कार्यों से जुड़कर अगले 25 वर्ष की कार्य योजना भी बनानी चाहिए। अगले 25 वर्षों के लिए सरकार का संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का है। इस संकल्प में सभी को सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम कैसा गांव, मोहल्ला, प्रदेश, देश व समाज देखना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से इस संबंध में सरकार की विस्तृत कार्ययोजना से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि 11 से 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि आन बान शान और सम्मान का प्रतीक तिरंगा अपने अपने घरों पर फहराने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए तथा स्वच्छता सेनानी परिजनों के सम्मान, स्कूलों के जीर्णोद्वार जैसी योजनाओं में सहभागी बनिए। इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2017 से गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश पर विकास परियोजनाओं की बारिश हो रही है। गोरखपुर में तो अभूतपूर्व व अकल्पनीय विकास हुआ है। यहां रामगढ़ताल फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थान बन चुका है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आज गोरखपुर के विकास की चर्चा पूरे देश में है। स्वागत संबोधन गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह व आभार ज्ञापन महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, विधायकगण श्रीराम चौहान, महेंद्रपाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, शरवण निसार, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन का जीवन सुगम बनाने के लिए उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की, साथ ही बच्चों को दुलार कर अन्नप्राशन कराया। सीएम ने पोषण आहार की टोकरी प्रदान कर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने से पूर्व सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों यथा कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा आदि की तरफ से लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया। मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना, कृषि यंत्र योजना, सीएम आवास योजना, ग्रामीण आयुष्मान भारत योजना, पॉली हाउस योजना, ड्रिप सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि के पात्रों को लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने 298 करोड़ 81 लाख 72 हजार रुपये से अधिक की लागत वाली
181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 164,77,95,000 रुपए से होने वाले 27 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। लोकार्पित परियोजनाओं में बांसगांव उरुआ मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, मानीराम बालापार टिकरिया गांगी बाजार मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, गुलरिहा रामनगर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, पीपीगंज अकटहवा कल्याणपुर नवापार मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, रोही नदी के बाएं तट पर बन रहा तटबंध का सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण, वसुंधरा मोड़ से तुर्रा नाले तक आरसीसी नाले का निर्माण कार्य शामिल है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ उनमें बाढ़ बचाव व सड़क निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रामीण के माननीय विधायक आदरणीय श्री सरगण प्रसाद जी, और जैसा कि हमारे बीच में रहते हैं और जब भी गोरखपुर आते हैं तो इस तरह की परियोजनाओं से आप सभी कर्तव्य ढंग से अपना आभार और अपना प्रणाम निवेदित करें। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। अपना से माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय महापौर नगर निगम श्री सरवन निषाद जी, माननीय विधायक चौरी चौरा श्री प्रदीप शुक्ल जी भाजपा, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पुनः एक बार वंदन अभिनंदन। प्रदेश विकास के लिए कृत संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हर बार गोरखपुर के तर पानी का होता है। आपका आगमन उस अभिभावक की भांति ही हमें आह्लादित करता है जो बहुत जिम्मेदार सतर्क सजग और चाहे परिस्थितियां भाग्यशाली हैं। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के लिए नित नए नए गोरखपुर सदर सांसद आदरणीय के सम्मानित सांसद भाई कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी, गोरखपुर महानगर के महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, सभी सम्मानित विधायक आदरणीय महेंद्रपाल सिंह जी, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री राम चौहान जी, आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, आदरणीय डॉक्टर कमलेश पासवान जी, आदरणीय इंजीनियर सरवन निषाद जी, सम्मानित हमारे बड़े भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय गर्भी सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भाई राजेश गुप्त जी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, सभी सम्मानित मातृशक्तियां, मीडिया के सभी हमारे सम्मानित साथी मित्रों, शायद आपकी चुनाव के बाद पहली बार पुत्र महाराज जी का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम 2017 के बाद आधुनिक विकास और प्रगति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में आज युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी और गोरखपुर के संचालन से विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। किसानों को यूरिया एवं करवाने के लिए दशकों से गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू करवाया और पिपराइज में ₹82 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 164
78 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। निसंदेह इससे हम भविष्य में बहुत सुधर लाभान्वित हो रहे हैं। श्री दिलीप सर थोड़ा इधर सामने देखना, बहुत सामने देखना, बहुत सामने देखो। अभी अंतर्गत लाभार्थी हैं श्रीमती संजू देवी। इधर देखिए बासा जी। अगला क्रम है श्रीमती संजू देवी गुरीता देवी। मंच पर सामने श्रीमती संजू देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। जनपद गोरखपुर की 208 विकास परियोजनाओं जिन पर 463 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से जो परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या जिन्हें पूरा होना है, इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहाँ मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री दीपेंद्र सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री सरवण निषाद जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले गोरखपुर वासियों को 463 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना ये केंद्र और प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। बिना भेदभाव के विकास का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके, प्रत्येक नागरिक के जीवन में इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य के साथ में केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विकास सबका, योजनाओं का लाभ भी सबको, जाति मत मजहब क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं, इस संकल्प के साथ जब सरकार कार्य करती है, इसने प्रदेश के प्रसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। भाइयों बहनों, आज हम संभव हो पाए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रदेश के हरेक जनपद में धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। गोरखपुर जनपद में विकास की परियोजनाओं के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को अथक परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने प्रस्ताव समय से भिजवाया, सरकार ने समय पे पैसा दिया, प्रशासन ने उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से लागू किया, आने की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर हरेक जनपद में विकास की छोटी हो या बड़ी परियोजना बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को जहां प्राप्त हो रही है और वह प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे पा रही है, तो वही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी
बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रहा है। कोई अनुमान करता था कि 5 वर्ष में 45,000 गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध हो जाए। हम लोगों ने ये तो देखा था कि स्ट्रीट वेंडर को, पटरी व्यवसायियों को लोग हटाते थे, उन्हें शोषण का जरिया बनाते थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से उन्हें योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में उन्नयन लाया जाए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोई भी ईमानदार प्रयास इससे पहले नहीं हो पाया था। और उसी का परिणाम था कि योजनाएं तो बनती थी, लेकिन जिस तबके के लिए योजना बनती थी उसे उस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। आज प्रदेश के अंदर 8.5 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वो ये सोचता था कि गरीब के लिए भी इलाज मुफ्त में हो जाए। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में यद्यपि मुफ्त में उपचार की सुविधा थी, लेकिन दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। 17 के पहले भी यही स्थिति प्रदेश के अंदर थी, लेकिन आज आयुष्मान भारत की योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जो भी जरूरतमंद है 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना यह शासन की गरीब कल्याणकारी योजना का ही प्रतीक है। 1,67,00,000 गरीबों को जिन्होंने कभी भी ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर के दर्शन नहीं किए थे, उन्हें फ्री में कनेक्शन मिलना। फ्री में कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद अब सरकार ने यह भी तय किया है कि दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें एलपीजी का सिलेंडर सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य भी कराया जाएगा। 1,67,00,000 परिवार इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में जब आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान ऐसी बीमारी और ऐसी संक्रमण पर ही आए, किस प्रकार की स्थितियां थी, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो गया तो परिवार के लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व दे रहे थे। और मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा का अवसर मिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन के जीवन को बचाने का काम भी किया और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी मजबूत प्रयास किए। आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। अब तक प्रदेश के अंदर 34 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। और यही नहीं, वैक्सीन फ्री में देने के साथ ही फ्री में राशन की सुविधा भी, और वह भी महीने में 2-2 बार। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो फ्री में राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय परिवार को चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। लेकिन गरीब के हितों के लिए भी कार्य करेंगे और सरकार ने इस कार्यक्रम को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से निवेश आएगा और निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार मिलेगी? अरे आपने देखा होगा नई सरकार के गठन के 100 दिन पूरे हुए थे 5 जून को, उससे 5 जुलाई को 3 जून को प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर शिलान्यास करके 5 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष और 20 लाख नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के द्वार भी खोले। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बना रही है। यहां पर नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी।
करनी है तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। ये जुलाई का महीना है भाइयों बहनों, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग 1977 से लेकर 2017 तक जुलाई से लेकर के नवंबर तक हमेशा सशंकित रहते थे। इस जो आशंका उनके मन में रहती थी, ये आशंका रहती थी मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार से होने वाली मौत के बारे में, न जाने कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पहले सरकारों ने उपचार की व्यवस्था भी नहीं की थी, संवेदना भी नहीं की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने गोरखपुर में एम्स दिया और एम्स का उद्घाटन भी हो चुका है, एम्स अपना कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है। आज एम्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज अब प्रदेश के अंदर उपचार का बेहतरीन केंद्र बन चुका है और बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से दिमागी बुखार यानी मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण के नजदीक आ चुका है। मस्तिष्क ज्वर से होने वाली 95% मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। अगर एक बार सभी लोग, जनता, जनार्दन, प्रशासन, शासन, सभी विभाग एक साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ा देंगे तो अगले 2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश करके इसको पूरी तरह उखाड़ने में सफलता प्राप्त हो जाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों के लिए कभी काल बनी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को पूर्णतः नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण इस बात को प्रमाणित करता है कि लोक स्वास्थ्य ये केवल और केवल यह स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं, लोक स्वास्थ्य का विषय आम जनमानस की दिनचर्या पर भी और उनके जीवन में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और उनकी स्वयं की संयमित और नियमित दिनचर्या पर भी निर्भर करता है। और लोक स्वास्थ्य के कार्यक्रम को तभी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लेंगे जब हर व्यक्ति अनुशासित जीवन जीते हुए अपने जीवन में स्वच्छता का महत्व रखते हुए शासन के बताए गए दिशा निर्देशों को समय समय पर पालन करता हुआ आगे दिखाई देगा तो उसका लाभ उसे निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आज इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस के बेहतरीन नियंत्रण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों को लापरवाह नहीं होना है। अभी हमें इसकी सावधानी, जिसके प्रति आवश्यक सतर्कता और सावधानी है, इसका ध्यान में रखते हुए स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति निरंतर सतर्क रहते हुए जहां कहीं भी गंदगी हो उसको वहां से हटाने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। इस समय जुलाई का महीना है, यद्यपि मानसून लेट है, अब तक मूसलाधार बारिश पड़ती, इसीलिए बाहर कार्यक्रम करने की बजाय हम लोगों को मैरिज हॉल में कार्यक्रम भी करना पड़ा। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, आज गोरखपुर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर की जितनी भी अपेक्षाएं थी बंद फर्टिलाइजर कारखानों को चलाने का, वह प्रारंभ हो चुका है। एम्स बनाने का, एम्स न केवल स्थापित हुआ है बल्कि एम्स यहां पर अपनी उपचार की सुविधा के साथ साथ 750 से अधिक बेड्स के साथ उपचार की बेहतरीन सुविधा गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहा है, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पुनरुद्धार का मामला हो, गोरखपुर की सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो और विद्युत की अनियमित आपूर्ति पर ब्रेक लगाते हुए विद्युत की आपूर्ति को नियमित बनाने का कार्य हो या विकास की छोटी बड़ी वे सभी परियोजनाएं जो बाढ़ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी, इन सभी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार पैसा दे सकती है, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा भी कर सकती है, लेकिन उनके संरक्षण का दायित्व तो जनता जनार्दन को स्वयं लेना होगा। ये शहर हमारा है, इस शहर के प्रति हमारा दायित्व है। इस शहर के स्वच्छता, इसकी सुंदरता, इनके संरक्षण का दायित्व भी हमारा है।
सामूहिक रूप से अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो सचमुच आपका शहर और आपका प्रदेश धीरे धीरे करके फिर से देश के अंदर अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाएगा और उसके सामने एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मेरा गोरखपुरवासियों से एक अपील होगा, हर परिवार अपने परिवार के, हर नागरिक अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पौधा जरूर रोपित करें, एक पेड़ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर, कहीं भी आपकी स्वयं की जमीन हो, सार्वजनिक जमीन हो, पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा भी करना। आप देख रहे हैं विपरीत जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसून एक महीने लेट हो चुका है, इसका प्रभाव इस फसल चक्र पर पड़ेगा, किसानों की आय पर पड़ेगा। एक महीने लेट मानसून का दुष्परिणाम वास्तव में अन्नदाता किसानों के साथ साथ आम नागरिक को भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन हम सबको इसके प्रति हम सतर्क हैं, सरकार सतर्क है, सरकार अपने स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं कर रही है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण अनियमित वनों की कटान भी रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी रही है। हम जब प्रकृति के विपरीत आचरण करने लग जाएंगे और प्रकृति का अपमान अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लग जाएंगे तो उसका खामियाजा अंततः जीव सृष्टि को भुगतना ही पड़ेगा और आज वह स्थिति हम सबके सामने है। इसमें जो घाव किए हैं मनुष्यों ने, उस घाव पर मलहम बनाने का एक कार्य होगा अधिकाधिक वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में एक औपचारिकता नहीं, वृक्षारोपण में भी हम लोग पीपल है, पाकड़, नीम, बरगद, आम, देसी आम, जामुन, अर्जुन और उस प्रकार के पेड़ों को लगे कि जो वास्तव में एक लंबे समय पर छाया के रूप में, औषधि के रूप में, लोगों के लिए प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सके और आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों के माध्यम से उनकी छाया के नीचे उनके संरक्षण में अपना जीवन यापन आगे बढ़ाने में भी उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, जहां हमें प्रकृति के प्रति आगाह होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, वहीं साथ ही साथ हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15 अगस्त 2022 को जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस दौरान भारत की आजादी के उस उत्सव में हम सब सहभागी बनेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केवल उत्सव में सहभागी बनने से नहीं, बल्कि आजादी का यह अमृत महोत्सव आपके लिए यादगार बन जाए, हर परिवार के लिए, हर जनपद के लिए यादगार बने, इसका अभियान चलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में? आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ हम समाज की व्यवस्था को इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सके कि आज आप आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जब ये देश अपनी आजादी के 100 साल की यात्रा पूरी कर रही होगी, इन 25 वर्षों की हमारी सकारात्मक कार्य योजना क्या होगी? ये कार्य योजना किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है? हमें अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने समाज को, अपने देश को कहां लेके जाना है? कौन सी हमारी कार्य योजना है? एक कार्य योजना आपकी होगी, कार्य योजना सरकार की भी है। सरकार इस अवसर पर विद्यालयों को ध्यान में रखकर के ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके अपनी विस्तृत कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है और कार्यक्रम में एक संकल्प यह भी होगा
कि भारत के आन मान शान का प्रतीक है तिरंगा, हर घर पर तिरंगा लहराएगा और 11 से 17 अगस्त के बीच हम में से हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि एक सप्ताह के लिए अपने घरों पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की तैयारी, तिरंगा अभी से खरीदना और अपने अपने घरों में लगाने की व्यवस्था, सम्मानजनक ढंग से लगाने की व्यवस्था, तिरंगा को लगाने के साथ ही उन कार्यक्रमों में हम सहभागी बने जहां स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा होगा वहां स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े, जहां आजादी के दीवानों का स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे उन कार्यक्रमों को सफल बनाना, जहां देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों को देश के विभिन्न युद्धों में और देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के सम्मान का कार्यक्रम होगा वहां उस कार्यक्रम में सहभागी बनना, जहां शिक्षण संस्थाओं के पुनरुद्धार और उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम हो उन कार्यक्रमों में सहभागी बनने की आवश्यकता होगी हम उसके साथ जुड़ेंगे। सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हरेक तबके को प्राप्त हो, जहां हमें योजनाओं के साथ जुड़ना होगा हमें वहां पर भी जुड़ना होगा, हरेक कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अगर हम आगे बढ़ सकेंगे तो आपका संकल्प नहीं पूरा होगा और केंद्र और राज्य सरकार की जिस संकल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा संकल्प आज का आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही आगामी 25 वर्षों के विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने की होगी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाताकत के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है और ये आजादी का अमृत महोत्सव का संकल्प हम सबका होना चाहिए। और मैं गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक से, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपील करूंगा कि हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। भाइयों बहनों, अगर नियत साफ हो तो अपने आप ही विधाता आपका संरक्षण भी देता है और आपको सफलता की ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। आपने विगत 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की कार्य प्रगति को देखा होगा, उत्तर प्रदेश आज एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। याद करिए 2017 के पहले एक उत्तर प्रदेश था जहां यहां पे रोज एक नया दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। विगत 5 वर्ष के अंदर कहीं आपने दंगा देखा? आज दंगा नहीं है और दंगे की बात तो दूर, अब तो सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार का संकल्प है और सरकार के संकल्प के साथ जनता जनार्दन की सहभागिता उनका आशीर्वाद है। तो ये कार्यक्रम आपने देखा है, जो परंपरागत आयोजन है, खासतौर पर अगर कोई शोभा यात्रा पहले से अनुमति लेकर के आयोजित है उन कार्यक्रमों को सरकार एक एफिडेविट लेकर के, शपथ पत्र लेकर के आयोजित करने में योगदान देगी। लेकिन जहां पर पहले से स्थान तय है कि इसी स्थान पर एक धार्मिक कार्यक्रम होने हैं, हम उन कार्य योजनाओं को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करें। कानून का सम्मान हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है, संविधान का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान का सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे सम्मान का प्रतीक होता है और इस हम सब हर हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि वह अपने संविधान के रूप आचरण करते हुए आगे बढ़े, अपने देश के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे। आजाद देखने हो गए जहां छोटी छोटी बातों के लेकर दंगा होता था, कुर्बानी को लेकर के दंगा होता था, सड़कों में नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर कोई भी बात नहीं हुआ, इस बार समय पर कोई नमाज नहीं है, धर्मस्तंभ से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपके अगल बगल कोई किसी धर्मस्तंभ पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीक के थाने को इसकी सूचना लिखित सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे वो स्वयं ही अपनी आवाज और अपने उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को होनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए, यह एक संकल्प हम सबका होगा। क्योंकि अगर अगर कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है, तेज
आवाज उसकी बीमारी का कारण हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। लोक व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक अनुशासित जीवन ही, एक नियमित और सैनिक जीवन ही हमेशा किसी समाज को, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। और ये नियमित और सैनिक जीवन ने ही उत्तर प्रदेश के प्रसिद्धन को बदला है, उत्तर प्रदेश के अंतर के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदला है। और आज धारणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 298 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 164 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम गोरखपुर में नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से संबंधित है, 99 परियोजनाएं ऐसी हैं। लोक निर्माण विभाग से जुड़ी भी 42 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से 24 परियोजनाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से जुड़ी हुई है। बाढ़ खंड से जुड़ी हुई 5 परियोजनाएं हैं। ऐसे ही राजकीय निर्माण से संबंधित ड्रेनेज आदि से जुड़े हुए भी 2 परियोजनाएं हैं। ये सभी कार्य गोरखपुर के विकास के लिए, कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कोई स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कोई सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ है, कोई जल निकासी से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम का यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोरखपुर की इन सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो, पूर्वांचल वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास के प्रति हमारी सोच हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।